हेलो वेलकम टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे विजुअल बेसिक की हेल्प से एक्सेल में लास्ट ब्लैंक रो कैसे फाइंड करते हैं तो देखिए लास्ट ब्लैंक रो क्या होती है जैसे हमारे पास एक डेटा सेट है और मुझे इस डेटा सेट में किसी दूसरे डेटा को ऐड करना है या पेस्ट करना है तो इस डेटा सेट में मैं उसको कहाँ पे पेस्ट करूँगा अगर मैं इस डेटा सेट के ऊपर पेस्ट कर दूँगा डेटा को तो क्या होगा कि मेरा पुराना जो एग्जिस्टिंग डेटा सेट है वो करप्ट हो जाएगा तो उसके लिए हमें लास्ट ब्लैंक रो को फाइंड करना होता है जो ब्लैंक रो है यहाँ पे इस डेटा को हम फाइंड करेंगे और इसके नीचे डेटा को पेश करते जाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो एज इट इज़ रहेगा और नीचे डेटा ऐड होता रहेगा तो बहुत यूजफुल होता है ऑटोमेशन पे बहुत यूज होता है लास्ट ब्लैंक रो को फाइंड करना पड़ता है तो कैसे हम विजुअल बेसिक में लास्ट ब्लैंक रो को फाइंड करेंगे और डेटा को पेस्ट करेंगे तो देखिए हमारे पास एक छोटा सा डेटा सेट है और इस डेटा सेट में इस रो को फाइंड करेंगे डेटा को पेस्ट करेंगे यहाँ पे कुछ डेटा हमारे पास है इस डेटा को पेस्ट करूँगा ऑटोमेटिकली इस एरिया पे, यहाँ पे नेक्स्ट ब्लैंक रो को फाइंड होगी और ऑटोमेटिकली इस एरिया में पेस्ट होता जाएगा तो डेवलपर टाइम में चलेंगे विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमने इंसर्ट पे जाके एक नया मॉड्यूल क्रिएट करना है और यहाँ पे अपनी विजुअल बेसिक के मैक्रो को लिखना है तो सबसे पहले हम अपने विजुअल बेसिक में मैक्रो का नाम लिखेंगे तो हमने लिखा सब्जेक्ट फाइंड नेक्स्ट ब्लैंक नेक्स्ट ब्लैंक्रो तो ये हमारा आ, मैक्रो का नाम हो गया अब क्या करेंगे एक वेरिएबल हम फाइंड करेंगे जो हमें लास्ट ब्लैंक रो को बताएगा तो यहाँ पे हमने क्या करना है डिम नेक्स्ट नेक्स्ट बी आर एक हमने वेरिएबल बना दिया नेक्स्ट बी आर एज लॉन्ग अब देखिए इसको हमने रेंज देनी है ठीक है तो यहाँ पे हम सेल्स प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हम लिखेंगे नेक्स्ट बी आर इज इक्वल टू सेल्स सेल्स प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे देखिए रोज़ इंडेक्स कॉलम इंडेक्स तो रोज़ इंडेक्स में क्या होगा हमारे पास ये डेटा सेट कितना भी बड़ा हो सकता है तो हमें क्या करना है सबसे पहले हम टोटल रोज हमारे पास जितनी यहाँ बॉटम में चले जाएंगे इससे ज़्यादा डेटा हमारे पास नहीं होगा तो हमें यहाँ पर यही मेथड यूज करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे टोटल रोज डॉट काउंट यहाँ पे रोज डॉट काउंट लिखेंगे तो जितने भी हमारे रोज होंगे सब काउंट हो गए उसके बाद कॉलम इंडेक्स कॉलम हमारा कौन सा है वन कॉलम ठीक है अब जब यहाँ पे चला गया डॉट यहाँ पे एंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे एंड प्रॉपर्टी में एंड में जाने के बाद यहाँ पे जंप करेंगे अब कंट्रोल अपैरो करेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे एक्सेल एप ठीक है सॉरी एक्सेल एल एप डॉट रो तो ये हमारा एक रो को फाइंड कर दिया दे। अब देखिए इसने कौन सी रो को फाइंड किया है इसको हम सेलेक्ट करने के लिए लिखेंगे रेंज ए कॉलम में होगी और ए कॉलम हो गया रो नंबर हमारा हो गया नेक्स्ट बी आर डॉट सेलेक्ट तो देखिए नेक्स्ट ब्लैंक रो इसने सेलेक्ट की या नहीं की इस कोड में हमें पता चलेगा तो क्या करना है इस कोड को अब रन कीजिए एफ एट एफ एट से इसने क्या किया कि लास्ट जो हमारा सेल वैल्यू है उसको सेलेक्ट किया हमें ये सेल नहीं चाहिए हमें चाहिए नेक्स्ट वन अगर मैं इसके ऊपर डेटा को पेस्ट कर दूँगा तो डेटा मेरा फिर करप्ट हो जाएगा मुझे ये ब्लैंक सेल चाहिए अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे इस पे ऊपर प्लस वन कर दूंगा ठीक है जो रो मेरी इसने सेलेक्ट किया उसमें एक ऐड कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रो के ऊपर मेरा कर्सर चला जाएगा अब देखिए मैं इसको करता हूँ रन करता हूँ यहाँ पे कर्सर चला रखते हैं और ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया अब मैं क्या करूँगा इस मैक्रो की हेल्प से आ, ये नेक्स्ट ब्लैंक रो में कॉपी करके इस एग्जिस्टिंग डेटा को पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे मैं डेटा को कॉपी और पेस्ट करने के लिए रेंज डॉट कॉपी मेथड यूज़ करूँगा रेंज डॉट यहाँ पे एक मेथड होता है कॉपी और पेस्ट का तो सबसे पहले हमें यहाँ पे रेंज लिखनी होती है पे पे इसको पेस्ट करना करना है है तो हमें क्या करना है पे? ये एरिया लिखना है सा हो गया सॉरी सबसे पहले मैं क्या करूंगा रेंज को कॉपी रेंज डॉट कॉपी में रेंज को कॉपी करेंगे तो रेंज हमारी कौन सी है यहां पे एल थ्री से लेकर क्यू फोर है तो हम एल थ्री को फिलहाल यू यह, यहाँ पर यूज़ करते हैं यहाँ पे हमने लिखना रेंज यहाँ पे हो गए एल थ्री थ्री डॉट करंट रीजन यहाँ पे यूज़ करेंगे करंट रीजन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे करंट रीजन डॉट कॉपी जो भी हमारा करंट रीजन होगा इससे जुड़ा हुआ जो भी एरिया होगा वो कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे एक स्पेस देंगे डेस्टिनेशन पूछ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे डेस्टिनेशन तो डेस्टिनेशन कहाँ पे इसको पेस्ट करना है यहाँ पे हमें इस रो पे करना है तो यहाँ पे हमने लिखना है रेंज कॉलम नंबर वन ए और यहाँ पे रो नंबर क्या होगा हमारा नेक्स्ट बी आर ठीक है अब देखिए इस डेटा को हमें पेश करना है यहाँ पे तो देखिए हमें नेक्स्ट ब्लैंक रो को फाइंड किया ऑटोमेटिकली और ये ऑटोमेटिकली इस डेटा को यहाँ पे पेस्ट करेगा तो इसको हम क्या करना है इस माइक्रो को रन करेंगे एफ एट देखिए यहाँ पे चला गया और इसने क्या एल थ्री डॉट करंट रीजन को कॉपी किया और इसके नीचे पेस्ट कर दिया ठीक है इसको हम कॉपी कर देखते हैं कलर करके ये कलर को कॉपी करता है नहीं करता दोबारा अगर इसको रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फिर दोबारा देखिए यहाँ पे इसने पेस्ट कर दिया दोबारा करेंगे तो फिर जो भी ये हो रहा है कि नेक्स्ट ब्लैंक रो को फाइंड कर रहा है और उसके बाद डेटा को पेश कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो प्री एग्जिस्टिंग डेटा जो डेटा पहले से ही एग्जिस्टिंग कर एग्जिस्ट कर रहा है वो एज इट इज़ है और डेटा हमारा ऐड हो रहा है तो ये बहुत ही यूज़फुल होता है किसी भी डेटा सेट में ब्लैंक रो को कैसे हम फाइंड करेंगे और कैसे उसके ऊपर डेटा को ऐड ऐड करेंगे तो एक छोटा सा वीडियो था कि किसी भी डेटा सेट में हम ब्लैंक रो को कैसे फाइंड करते हैं और कैसे उसके ऊपर डेटा को ऐड करते हैं आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी दूसरे वीडियो में दूसरे वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स